मोहम्मद शफी उर्फ मंजू कुरैसी को समाजवादी पार्टी का सचिव मनोनीत किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र सपा के महानगर अध्यक्ष अबरार हुसैन ने पार्टी कार्यालय में सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला व लड्डू खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। उनके इस मनोनयन पर स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। मनोनयन पर नवनियुक्त सचिव ने कहा कि उन्होंने सदैव पार्टी के निर्देशों का पालन किया है और अपने स्तर पर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं पार्टी को हर संभव आगे पहुंचाने की कोशिश जारी रखूंगा। हर्ष व्याप्त करने वालों में विभोर गौतम एडवोकेट, हाजी बाबू कुरैशी, बबलू कुरैशी, नदीम हाजी, अजीज कुरैशी, नईम आदि लोग उपस्थित रहे। मथुरा से इकरार अली की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जी, आज आज पार्टी के एक आपके कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा गया है, इसको क्या कहते हैं? हमारे समाजवादी पार्टी के अकलीय समाज के बहुत सीनियर नेता हैं जनाब पंजू कुरैशी, शफी मोहम्मद साहब, उन्हें आज हमने माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत यहाँ महानगर में सचिव का दायित्व सौंपा है। और चूंकि ये समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश समाज के बहुत मजबूत साथी हैं पुराने, इनके आने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ इस वक्त 84 मथुरा विधानसभा से जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री देवेंद्र अग्रवाल जी, उनके चुनाव में आपकी सहभागिता समाजवादी पार्टी को सुनिश्चित हो जाएगी और पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतर चुकी है। और समाजवादी पार्टी चूंकि जब इस चुनाव में उतर चुकी है और सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तो अखिलेश समाज हमेशा से अमन पसंद रहा है, इखलाक और मोहब्बत का पैगाम देने वाला ये समाज रहा है। उसी समाज के अंग आज हमने इन्हें सचिव बनाया है, उनके आने से समाजवादी मोहम्मद शफी और कुरैशी। क्या नाम आपका? मोहम्मद शफी और कुरैशी। आज आपको पार्टी ने दायित्व दिया है, इस दायित्व का आप कैसे निर्वहन करेंगे? मैं बड़ी ईमानदारी से उनका निभाऊंगा और जनता में समाजवादी का प्रचार करूंगा और ये चुनाव भी चल रहे हैं मैं भी प्रचार करूंगा मैं, और आगे भी पहले भी कर चुका हूं मैं, पहले भी रह चुका हूं इसमें। 1992 से मैं इसमें पार्टी में हूं, मेरे पास रसीद है, मुलायम सिंह के हाथ की लिखी हुई रसीद मेरे पास है और मैं पुराना कार्यकर्ता हूं। आज पार्टी ने आपको क्या दायित्व दिया है? महासचिव बनाया, महानगर सचिव बनाया है।